Languages and so many other departments. We are delighted with your presence, sir. Can we please give a big round of applause for <laughs> Sri Manish Sisodia Ji? We would now like to begin your keynote, sir. And thank you so much, Miss Pooja, for being here with us, ma'am. May we request you to please take this forward? Thank you, sir. It's an honor to have you here with us. And uh, uh, Mr. Sisodia Sonam rightly said he is the man who's been credited to have changed the face of education in Delhi. The best epithets that describe him are visionary, committed, and determined, and there's a lot we all can learn from you. Uh, he has been consistently working to bring about noticeable change in education, governance, and job creation in Delhi. Uh, ladies and gentlemen, I uh, request you to once again give him a huge round of applause. Thank you. Thank you, everybody. Sir, Delhi's education model is one story that India is proudly boasting of across party lines. So, how did you achieve that? Uh, thank you very much uh, this warm welcome and or inviting me here. और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ आईआईटी और आईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हों वहाँ भी और अदरवाइज भी ये कहना कि हमने एजुकेशन में सब कुछ बदल दिया है इट वुड बी रॉन्ग एंड टू एरोगेंट ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन पे पहली बार बात कर रहे हैं हमसे आई हमने नहीं बनवाया था जी <laughs> आई एम भी हमने नहीं बनवाया था हम तो जुम्मा जुम्मा चार साल छह साल पुरानी पार्टी है पर देश में आपने पूछा कि कैसे किया मुझे लगता है उससे पहले डिफाइन होना जरूरी है कि हमने किया क्या है क्योंकि कैसे किया तो बाद में समझ में आएगा पहले ये तय हो जाए हमने कुछ किया है कि नहीं किया है क्योंकि जब हम कह रहे हैं हमने आई टी नहीं बनवाया तो हमने किया यू वेरी वेरी आपने जो ग्रास रूट पे एजुकेशन हाँ, का स्ट्रक्चर चेंज किया है आई थिंक दैट इज प्राउड ऑफ एजुकेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एक तो है कि स्काई इज द लिमिट और दूसरा है बॉटम लाइन मतलब आप अपने बच्चे को पढ़ा के इतना अच्छा पढ़ाओगे इतना अच्छा पढ़ाओगे कि वो आई जाएगा आई जाएगा नासा में काम करेगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को चलाएगा देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बनेगा ये सब इसका इज़ इस द लिमिट है वो हम हमेशा से करते रहे हैं आज़ादी के बाद से हमेशा हमने अचीव किया है ये सब हर साल हम बच्चों भेजते हैं लेकिन बॉटम लाइन हमारी गड़बड़ा गई जिस वक्त हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारे देश में आई होने चाहिए हमारे देश में आई होने चाहिए उस वक्त हम भूल गए मैं नहीं कहूँगा पर कहीं चूक गए ये तय करना कि ठीक है हमारा सबसे बेस्ट बच्चा आईआईटी में जाके बैठेगा सो फार सो गुड लेकिन हमारा उस पूरी लाइन में अगर एक लाख बच्चे हैं या हजार बच्चे हैं तो हजारवा बच्चा कहाँ खड़ा होगा उसको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी आ रही होगी उसको अपना कम से कम ए पढ़ना आ रहा होगा उसको एक बेसिक एप्लीकेशन लिखनी आ रही होगी उसको एक बेसिक जॉब ओरिएंटेड स्किल होगा उसके पास में हम वो भूल गए तो हम दिल्ली में जो कोशिश कर रहे हैं उस बॉटम लाइन को थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्काई इज द लिमिट है पर हम ये गारंटी लेना चाहते हैं कि अगर मेरे पास 22 लाख बच्चे आज की तारीख में मेरे पास 18 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं और टोटल देखें तो चवालीस लाख बच्चे हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में तो एक बच्चे को हम इनके यहाँ पढ़ने आई भेजेंगे वो हम गारंटी ले रहे हैं लेकिन हम ये भी गारंटी ले रहे हैं कि हमारा जो चवालीस लाखवां बच्चा होगा वो भी कम से कम इतना जरूर होगा कि वो इतना 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 जरूर कर पाएगा हम वहां चुक रहे हैं वो हमने हासिल किया है nice. और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको हासिल करने के लिए वी ब्रिंग द पॉलिटिकल विल टू द टेबल एक पॉलिटिकल विल है अरविंद केजरीवाल जी खुद आई आई और उसके साथ साथ एक अच्छी टीम और जब पॉलिटिकल विल है तो बजट

ऑब्वियसली जब 2015 में मैंने एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो हमें भी जब सरकार में आए तो सर आइए स्कूल दिखाते हैं और दिल्ली में दस पंद्रह स्कूल तो वहाँ भी थे बहुत अच्छे अच्छे वाले जो एकदम शाइनिंग स्टार थे गवर्नमेंट स्कूल तो मैंने भी अधिकारियों को कहा यार ये तो मुझे भी पता है कि तुम्हारा एक रोहिणी में एक द्वारिका में एक सूरजमल विहार में कुछ अच्छे स्कूल्स हैं मैं पटपड़गंज से आता हूँ मंडावली गांव का स्कूल देखते हैं चलो मैं मेरे विधानसभा में एक शशि गार्डन की झुग्गियाँ हैं वहाँ का स्कूल देखते हैं ना ये रोहिणी वाला स्कूल छोड़ दो वहाँ आपने एक अच्छा मॉडल बना भ्यार रखा भ्यार है पहले से सो सत्रह मॉडल स्कूल थे यहाँ पे और सबको कोई दुनिया से आ जाए देश से आ जाए विदेश से आ जाए सबको वही दिखाते थे तो मैंने कहा उसमें चलते हैं ना जो मैंने देखा है उसमें तो छोड़ो तो वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो टेंट वाला स्कूल बोलते थे उसको मैं जाके बच्चों से पूछा तो बच्चे भी रोने लगे जी हमारी तो किस्मत ही खराब है ऐसे फिर दिल्ली भर के स्कूलों में घूमा एक इस हाउस के लिए इम्पोर्टेंट शायद एक एंडोर्समेंट है जो पिछले उस दौरान मैंने सुना एक सरकारी स्कूल में, में मेरे को एक बच्चे ने बोला ऐसे जनरली जब हम जैसे लोग जाते हैं तो वहाँ बच्चों के कंधे पे हाथ रख के बोलते अरे नहीं नहीं बच्चे तुम तो देश का भविष्य हो सो वन बॉय रिएक्टेड टू माय दिस ब्लेसिंग यू कैन से बोला सर हम को आप कह रहे हो हम सरकार हम देश का भविष्य हैं देश का भविष्य हम थोड़े ही हैं देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है हम तो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो बहुत पिंच किया मुझको और उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्योंकि बजट था खुद जा जाके अच्छे से बनाया और मतलब खड़े होकर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराया फिर लैब कैसी होगी लाइब्रेरी कैसी होगी फिर प्रिंसिपल से बात की उन्होंने कहा साहब हमको ये बताइए कि हम ये तीन हज़ार बच्चों को पढ़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर है सत्तर अस्सी नब्बे टीचर्स की टीम है तो हम बच्चों को पढ़ाएं या प्रिंसिपल ये देखें कि इतने बड़े स्कूल में टोंटी ठीक से लगी है कि नहीं लगी स्विच ठीक से काम कर रहा है कि नहीं जैन क्वेश्चन था तो हमने फिर सारे प्रिंसिपल्स को पहली बार स्कूल सिस्टम में मुझे नहीं पता हायर एजुकेशन सिस्टम के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं स्कूल सिस्टम के भी बैठे हैं बट स्कूल सिस्टम में हमने एस्टेट मैनेजर दिए हमने कहा पूरी बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए एस्टेट मैनेजर होगा और उसको सरकार अपॉइंट नहीं करेगी मतलब सरकार एज ए होल कि सेंट्रली अपॉइंटेड नहीं होंगे आप खुद प्रिंसिपल और उनके दो टीचर्स की टीम उनको अपॉइंट करती है वही उनको हायर करती है वही फायर करती है तो अकाउंटेबिलिटी भी वहीं है लोकल लेवल पे तो वो हमने उनको दिए उससे बहुत सुधार हुआ एंड वो सुधार सबको दिख रहा है एंड विच इज रियली रही आपने uh, में मेंटल वेलबिंग well का प्रोग्राम शुरू किया विच वॉज अगेन न्यू स्टार्ट उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई तो दो तीन चीज़ें हुई जैसे बजट बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग हमने विदेशों में खूब कराई देश विदेश में आई से बैठे हैं मैं अभी हिमाचू जी से बात कर रहा था कि क्यों आएम अहमदाबाद से करा रहे हैं लखनऊ से करा रहे हैं अभी मैं चाह रहा हूँ कि आएम इंदौर भी हमारे टीचर्स को प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे तो प्रिंसिपल और टीचर की खूब ट्रेनिंग कराई ऑब्वियसली उससे रिजल्ट अच्छे आने लगे जो बच्चे पहले 30, 40, 25, 45 परसेंट ला सत्तर अस्सी परसेंट बच्चे पास होते थे वो हंड्रेड परसेंट बच्चे पास होने लगे आ, अब रिक्शे वाले का बच्चा धोबी का बच्चा बिना कोचिंग किए आईआईटी में जाके पढ़ रहा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है एक लड़का जो द्वारका में एक जो सोसाइटी के छज्जे के नीचे जो प्रेस करते हैं ना उनका बेटा है और केवल सरकारी स्कूल से बिना कोचिंग के आपके यहाँ पहुँच गया है सो so, वो सब होने लगा तो सीएम साहब ने एक बात मुझसे कही कि यार रिज़ल्ट अच्छे आने लगे बिल्डिंग अच्छी हो गई स्कूलों का नाम हो गया लेकिन एक अचीवमेंट जो कंट्रीब्यूशन जो एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए कि हमें देश को अच्छे इंजीनियर डॉक्टर अच्छे मैनेजर वो तो देने ही हैं लेकिन देश को अच्छे इंसान भी तो देने हैं वो कैसे देंगे तो उस पर बहुत एक्सप्लोर किया कि भाई क्या कर सकते हैं जितनी गारंटी हम ये दे सकते हैं कि ये हमारा बच्चा है इसको अच्छी फिजिक्स आती है इसको अच्छी अंग्रेज़ी आती है क्या हम ऐसे भी गारंटी ले सकते हैं कि ये हमारा बच्चा है ये अच्छा इंसान है ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा कहीं काम करेगा तो ये किसी सरकारी दफ्तर में बैठेगा तो बेईमानी नहीं करेगा सड़क पे जाएगा तो राउडी नहीं होगा ये गारंटी ले सकते हैं क्या इस पर एजुकेशन सिस्टम साइलेंट है तो हमने उसी के लिए ये प्रयोग शुरू किया हैप्पीनेस करिकुलम का कि नर्सरी से लेके आठवीं तक हम आ, अपने सारे बच्चों को डेली एक पीरियड लेते हैं हैप्पीनेस क्लास का उसमें सब बच्चों का मेडिटेशन होता है रोजाना क्लास में और उनकी इमोशनल वेलबींग well की चर्चा होती है उनके अंदर जिसको कहते हैं कि एक एक्सटर्नल साइंस है एक इंटरनल साइंस है तो इंटरनल साइंस की खूब बातचीत होती है उस पर तो उसके विजिबल इफेक्ट बहुत आ रहे हैं बच्चे एक तो खुद फोकस होने लगे हैं मैंने बच्चों से पहले साल से ही पूछना शुरू किया कि भाई ये हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुआ इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको बच्चों से टीचर्स से पेरेंट्स से मैं दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपको देता हूँ एक लड़की ने मुझको बोला एक स्कूल में कि मैं ऐसे जाके पूछता हूँ कि यार आपके पेरेंट्स कहते हैं फालतू में एक सब्जेक्ट और बढ़ा दिया टीचर्स भी दुखी है बच्चे भी दुखी हैं तो ऐसा करते हैं इसको बंद कर देते हैं हैप्पीनेस के क्लास को बंद कर देते हैं तो एवरीबडी से नहीं नहीं सर इसको बंद नहीं करना आप फिजिक्स के चार चैप्टर काट दो इसको बंद मत करना तो मैंने कहा क्या फ़ायदा है तो ऐसे एक क्लास में मुझे एक लड़की ने बोला कि जी देखिए विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू हर फैमिली बोली मेरे घर में थोड़ा जेंडर डिस्क अपनी भाषा अपने शब्दों में उसने बयान किया मैं काफ़ी पुरानी बात है मैं अपने शब्दों में उसको आर्टिकुलेट कर रहा हूँ उसने बोला कि मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ जेंडर बायसेज हैं मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है मुझे गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है यूनिफॉर्म ब्रेकफास्ट पैसा सब में हर जगह वो तो लड़का है मैं लड़की हूँ ये जेंडर डिस्क्रिप्शन होता है और जब मैं स्कूल आती हूँ तो मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से मेरे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है बोलिए मैं रोज़ रोती थी स्कूल आते हुए और हमेशा फिर मैं पढ़ती क्या बोलिए लेकिन जब से ये हैप्पीनेस का पीरियड शुरू हुआ है तो मैं आके पहले मेडिटेशन करती हूँ स्कूल में आके उसके बाद कुछ पॉजिटिव इमोशनल साइंस की वेलबींग well की अच्छी एक्टिविटी होती है तो बोलिए मेरे वो पैंतालीस मिनट मुझे पूरे दिन के लिए चार्ज कर देते हैं एंड देन आई फोकस ऑन स्टडी फिर मैं अपना पूरा सर्वस्व लगा के स्टडी करती हूँ सो so ये एक अच्छी चीज़ जो बच्चों से अंदर से या बच्चों के अंदर बहुत पॉजिटिव अप्रोच आई है दूसरा एग्जाम्पल एक क्विक एक फैमिली से देना चाहूँगा मैं फैमिली से भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि ये क्या फ़र्क पड़ रहा है इनका तो एक मदर ने शेयर किया अगेन फ्रॉम ए पुअर फैमिली बोली पहले हमारा बच्चा एकदम घर पर आता था जैसा कि जनरली टीन में एक होता ना मतलब वो टीनेज ही क्या जो बागी ना हो तो एक हल्का सा बागीपना रहता था और पेरेंट्स को हैंडल नहीं करना आता है उसको बोली हमें समझ नहीं आता था क्या करें लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास शुरू हुई है इसका बिहेवियर घर में बदल गया है तो मैंने कहा गिव मी सम एग्जांपल ऐसे तो समझ नहीं आएगा सो शी के वेरी प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल बोली पहले आता था मैं कहती थी खाना खा ले तो बड़ा लड़ झगड़ के खाना खाता था पर यह पाँच छः महीने से जब से हैप्पीनेस क्लास शुरू हुई है आपकी आपने जो भी शुरू किया बोली घर आता है प्यार से बात करता है एक बार मैं पूछती हूँ कि खाना खा ले वो मेरे से पूछता है कि आपने खा लिया और ना सिर्फ पूछता है पुअर फैमिली से आता है बोले कई बार तो किचन में जाके चेक करता है कि मम्मी ने वाकई खा लिया है मम्मी के लिए बचाया कि नहीं बचाया आउट ऑफ लव कह रही है कि खा लिया सो so, उस मदर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है तो so, बच्चों के अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहा है हम रिश्ते सिखाते हैं हम हम हैप्पीनेस क्लास में जीना सिखाते हैं कि जिया कैसे जाता है परिवार में तो so, वो सफलता मिल रही है यू मेकिंग ग्रेट नॉट जस्ट गिविंग देम एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस इमोशनल इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बन Most रहे हैं बच्चे सो विच इज़ रियली रेली नाइस और कुछ समय पहले 2019 में दिल्ली का एक स्कूल द्वारका का राजकीय प्रतिभा विद्यालय वो दिल्ली की स्कूल रैंकिंग्स में पूरे पब्लिक स्कूल्स को भी पीछे छोड़कर नंबर वन बना था तो आपको लगता है ये दिन दूर नहीं है कि जब लोग ऐसे फ़ोन करते हैं मिनिस्टर्स को एमएलए को कि हमारे बच्चे को एडमिशन दिला दो इस

हिम बट किसी और के लिए मुझे बाकायदा किसी बहुत बड़े अधिकारी ने लिख के सिफारिश भेजी है यार इसको आप अपने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा सकते हो क्या ये सिफारिशें पहले प्राइवेट स्कूल के लिए आती थी कॉमन मैन ऑल्सो हाउ डू थिंक दिस मॉडल ऑफ एजुकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस दी फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिटिकल विल जरूरी पॉलिटिकल uh, विल जो आप कमिटमेंट बोल रहे हैं वो कि कुछ लोगों को नॉट एवरीबडी सबको चुनाव भी लड़ने पार्टियों में जीतने भी हैं सब पार्टी भी पॉलिटिक्स भी करते रहें बाकी सारे भी डायमेंशन हैं गवर्नेंस के लेकिन कुछ सीनियर लेवल के लोगों को किसी भी सरकार में लगना पड़ेगा कि अब हमें स्कूल में बेहतर करना है और वो आर्टिफिशियल शोकेसिंग से नहीं होगा मतलब आपको देखना पड़ेगा ग्राउंड पे जाके कि क्या हो रहा है दिल्ली का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां मैं पिछले छः सात साल में कम से कम तीन तीन चार चार बार जाके और मोस्ट ऑफ द टाइम नाइन्टी परसेंट टाइम सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस पे नहीं जा चुका हूँ वहाँ जाता हूँ टीचर्स से मिलता हूँ बच्चों से मिलता हूँ पेरेंट्स से मिलता हूँ तो समझ में आता है वो पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिकल विल हो जाए तो हमारे यहाँ टीचर्स बहुत शानदार हैं हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत शानदार हैं और मेरा मानना है कि सरकारों के पास में पैसे की भी कमी नहीं होती जी लोग कहते हैं कि साहब छोटा स्टेट बड़ा स्टेट लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सरकारों के पास पैसे की कतई कमी नहीं होती बस थोड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि हमें एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है वो दी जाए तो अच्छा एब्सोल्यूटली और वो मॉडल आपने करके दिखा दिया है कि अगर विल है जहाँ चाह वहाँ रहा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कमिंग ईयर्स हायर एजुकेशन में इंडिया की दो बड़ी खामियाँ हैं जो ठीक करनी बहुत जरूरी हैं पहली तो ये कि हायर एजुकेशन हमारी लार्जली रिसर्च ऑरेंटेड नहीं है जॉब ऑरेंटेड है हमारा सारा फोकस मैं विद डू रिस्पेक्ट टू सच सीनियर पीपल सिटिंग हेयर ऑल द्रॉस मैं जब भी अपने मैं मिनिस्टर हूँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ मुझको बुलाती हैं कन्वोकेशन प्रोग्राम्स में बुलाती हैं वो हमेशा कन्वोकेशन प्रोग्राम में जब वी रिपोर्ट होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है तो 95 परसेंट जो पढ़ के सुनाया जाता है उसमें ये बताया जाता है पिछले साल हमारे एक बच्चे ने एक करोड़ का पैकेज लिया पिछले साल हमारे एक बच्चे ने दस करोड़ का पैकेज लिया हम ये बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि पिछले साल हमारे एक बच्चे ने ऐसी कंपनी शुरू की जिसमें 500 लोगों की नौकरी लगी हम ये सेलिब्रेट नहीं करते कि हमारे बच्चे ने एक ऐसी बढ़िया इंस्टीट्यूशन शुरू किया जिसने देश की इस समस्या का समाधान कर दिया ये एक साइड है उसका हाँ फंडामेंटल चेंज टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ हायर एजुकेशन हमने हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को मिक्स कर दिया है दुनिया में जर्मनी से लेके अमेरिका से लेके यूरोपियन इवन ऑस्ट्रेलिया जापान के भी मैंने सब मॉडल्स स्टडी किए और मैंने देखा कि उन्होंने बहुत शार्प डिवाइड किया हुआ है कि हमारा स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ये है यहाँ से हम अपने देश को स्किल और प्रोफेशन दे रहे हैं यहाँ से हम हायर एजुकेशन और रिसर्च सेगमेंट लेके जा रहे हैं नया करने की तरफ लेके जा रहे हैं वो हम ब्लेंडेड मोड में हैं उसी आई में एक बच्चा पैकेज भी पे काम कर रहा होगा उसी आई में एक बच्चा बैठ के हाइड्रोजन कार बनाने की कोशिश भी कर रहा होगा और दोनों में कंपटीशन है यार मैं पैकेज की तरफ जाऊं या हाइड्रोजन कार बनाऊं हाइड्रोजन कार बनाने के प्रयोग में फेल आऊं बनाऊं नहीं तीसरी पीढ़ी जाके बनाएगी तो वहां हमारा ब्लैंड फंस गया है दूसरा मुझे लग रहा है गिविंग देम गिविंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फेयर चांस टू अंडरस्टैंड की हमारे स्कूल से जो बच्चे जा रहे हैं मतलब अक्सर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पूछते हैं साहब आप एम्प्लॉयबल दे रहे हो कि नहीं दे रहे आप रिसर्चेबल दे रहे हो कि नहीं रिसर्च माइंड्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे आप एम्प्लॉयबल माइंड्स दे रहे हो कि दे रहे हो इनसे तो हम पूछते हैं लेक मतलब इन, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं लेकिन कभी हमें इनसे ये भी पूछना चाहिए और काश ये हमसे पूछ लें अब ये आके यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लोग बैठे हैं कल को मेरे से पूछ लें जी आपके स्कूल से जो बच्चे जा रहे हैं वो ग्रेजुएटेबल हैं कि नहीं हैं वो बारहवीं क्लास से आया निकल के वहाँ से ही वो ग्रेजुएटेबल है कि नहीं है जो हम इनसे चाह रहे हैं उसमें वो एंट्री पॉइंट लायक उतना कितना है तो स्कूल लेवल पर भी क्योंकि रोट लर्निंग का प्रोडक्ट आ रहा है तीन घंटे के एग्जाम का जजमेंट किया हुआ प्रोडक्ट आ रहा है वहां एक गलती इनके साथ हो रही है कि इनको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो कुल मिला के तीन घंटे के एक एग्जाम एक से जज करके दे दिया जाता है लो जी ये शार्क बच्चा है इसको ले लो अब वो इनके हिसाब से जो हम इनसे अपेक्षा कर रहे हैं एज ए कंट्री एज ए सोसाइटी एज ए वर्ल्ड वो उतना उस लेवल का ग्रेजुएटेबल है कि नहीं है कोई इनका दर्द भी तो समझे इनको कितनी मेहनत करती है उनके पढ़ती है उनके साथ यू यू हैव बीन अ ये है, uh, अभी तो इसके बेसिकली uh, दो कंपोनेंट हैं इसमें एक है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जैसे हमने हैप्पीनेस का माइंडसेट करिकुलम लागू किया मतलब एक तरफ हम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट कहते हैं दूसरी तरफ हमने ये तीन नए कैरिकुलम लॉन्च किए हैं इंट्रोड्यूस किए हैं माइंड सेट कैरिकुलम एंट्रप्रनरशिप माइंड सेट कैरिकुलम सिटीजनशिप या देशभक्ति माइंड सेट कैरिकुलम तो इन तीनों करिकुलम्स को हम पढ़ा रहे हैं उसमें और ई जो है एंट्रप्रनरशिप माइंड में हमने यही कॉल दिया है कि हर बच्चा स्कूल से निकल के जॉब सीकर बनता है और उसका पूरा माइंड सेट जॉब सीकर है वो दसवीं ग्यारहवीं से सोचना शुरू कर देता है मुझे जॉब करनी है जॉब करनी है जॉब करनी है अब समस्या यह है कि जैसे दिल्ली का मैं आपको क्वांटम बताऊँ ढाई लाख बच्चे मेरे साथ स्कूलों से हर साल निकलते हैं अब ये सारे के सारे ढाई लाख बच्चे हर साल अगर जॉब सीकर बन के निकलेंगे तो फिर जॉब प्रोवाइडर्स कहाँ से आएंगे जॉब प्रोवाइडर आएंगे उन कंट्रीज से जहाँ अपने बच्चों को एंट्रप्रनर बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फिर मेरा बच्चा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से आईएम की डिग्री लेके आईटी की डिग्री लेके और भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट बैठे हैं वो लेके जाएगा यहाँ से और उसके बाद में उनकी बनाई हुई अमेरिका या, या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या जापान के लोगों की बनाई हुई कंपनी में काम करेगा मेरे को पैकेज अच्छा मिलेगा दस करोड़ भी मिलेगा लेकिन मेरे बनाए हुए बच्चे का हजारों करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट उठा रही है उनकी इकोनॉमी मेरे हिस्से में आ रही है कुल सैलरी तो दो वजह से कि एक तो अगर हर बच्चा बाहर निकल के केवल और केवल जॉब सीकर बनेगा तो जॉब प्रोवाइडर कहाँ से आएंगे और दूसरा कि इकोनॉमी को अगर बूम करना है सैलरी क्लास सोसाइटी की इकोनॉमी यहीं तक आ सकती है जहाँ तक देश की आ गई है अगर उससे ऊपर लेके जाना है तो एंट्रप्रोनर इकोनॉमी बनाना पड़ेगा बहुत शानदार चल रहा है ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों को लेके हम बहुत अंडर मैं भी अंडर कर रहा था हमने उनको दो दो हज़ार रुपये सीड मनी दिया और कहा कि भाई छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनाइए बेबी स्टार्टअप्स कह सकते हो और हम आपको मैंटोर करेंगे और क्या क्या आइडियाज़ लेके आते हैं बच्चे उसमें कितने शानदार आइडियाज़ लेके आते हैं यू कॉन्ट इमेजिन ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे मतलब मुझे कोई बड़ा मतलब इसको बहुत ओवर स्टेटमेंट ना माना जाए कि आने वाले दस मे बी पाँच सात साल बाद की एक बड़ी कंपनी आज हमारे सरकारी स्कूलों में तैयार हो रही है कोई ना कोई तो तैयार होगी समय आपके पास कम है बहुत क्वेश्चन है लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू फाइंड आउट टू थिंग्स एज अ नेशन यू थिंक वी आर डूइंग एंड टू चेंजेस यू वुड लाइक टू सी दैट वी ब्रिंग अबाउट इन आ एजुकेशन सेक्टर दो चीजें जो हम अभी कर रहे हैं टू विच यू थिंक वी शुड डू टू ब्रिंग अबाउट द चेंज एक मतलब हमारे देश के एम्बियंस में ही एक हारमोनी है मेरा एक टीचर बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का एक अमी अमेरिकन पे गए वहाँ उनके बच्चों ने उससे पूछा कि अमेरिकन स्कूल के बच्चों ने उससे पूछा कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इंडिया एंड आई थिंक दैट इज़ द आंसर आई कैन रिपीट हेयर टेकिंग क्लू फ्रॉम हिम उसने उनसे पूछा कि हम इंडिया के स्कूलों से क्या सीख सकते हैं तो हमारे टीचर ने अमेरिकन स्कूल के बच्चों और टीचर्स को जवाब दिया कि हाउ नॉट टू हैव गन्स इन स्कूल्स ये इंडिया की खूबसूरती है कि हम तमाम विरोधाभासों के बावजूद हम एक बहुत हारमोनी में रहे हैं और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट रहा है और बल्कि मैं कहूँगा एजुकेशन सिस्टम की देन रहा है क्यों हमने कबीर भी पढ़ाया है और हमने साइंस भी पढ़ाई है हमने रहीम भी पढ़ाया है और हमने मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है तो ये हमारी हमारी देन रही है uh, और हमने कबीर को अंदर तक उतारा है बच्चों के अंदर तो वो हमारी देन रही है uh, आप पूछ रहे हैं कि भाई और क्या सीख सकते हैं मुझे आ, लगता है क्या करना चाहिए इन द एजुकेशन सेक्टर वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड वेयर बाउंड्रीज नाउ खास तौर से एजुकेशन में नेशनल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बहुत कम रोल रखती हैं हमें दुनिया से चार कदम आगे चलने का सोचना चाहिए अभी हम सोच नहीं पा रहे उसकी okay. उसकी वजह जैसे आज स्कूल मतलब मुझे नहीं मैं मैं अकेला दिल्ली में नहीं कर सकता पूरे देश में क, बात करनी पड़ेगी इसकी और कर भी रहे हैं आई एम श्योर नई एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आज गूगल आज के समय की सच्चाई है और बिलीव मी कम से कम मैं हायर एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग तरीके से चलते हैं बट कम से कम देश के एजुकेशन सिस्टम में अभी गूगल को स्वीकार नहीं किया गया है देश की सारी किताबें सारा पढ़ाने का तरीका सारा परीक्षा लेने का तरीका इस तरह का मान लो दुनिया में गूगल एग्जिस्ट ही नहीं करता जबकि जिस बच्चे की आप परीक्षा ले रहे हो वो थोड़े दिन बाद जाके गूगल के सहारे ही जीने वाला है इतना रटाते हो इतना रटाते हो इतने नाम रटाते हो उसको छोड़ दो यार वो गूगल से निकाल लेगा उसको समझाओ पहले आप इंफॉर्म राइटली तो so, सो देखो हिस्टोरिकली स्कूल्स के, के में मतलब हायर uh, एजुकेशन ने तो बहुत अलग अलग तरीके के काम किए स्कूल्स का एक मेन रोल था बच्चे को इंफॉर्मेशन देना दूसरा था सोशलाइज करना और तीसरा था डिसिप्लिन करना तीन बड़े रोल थे अब इंफॉर्मेशन बच्चे को उससे कहीं ज्यादा अवेलेबल है जितनी स्कूल से अवेलेबल है अब स्कूल को अपना रोल चेंज कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि वी वॉन्ट गिव यू इंफॉर्मेशन टीच यू हाउ टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन चेंज दैट सी वो हम चेंज नहीं कर पा रहे सेम द दोशलाइजेशन पहले घर से बच्चा निकलता था मां बाप के दायरे से चाचा ताऊ के बच्चों के पास से और सीधे स्कूल आता था वहाँ उसको थोड़ी बहुत डायवर्सिटी मिलती थी आज की तारीख में सोशल मीडिया दुनिया भर के साथ बैठा हुआ है हमारा बच्चा मेरे घर में बैठे हुए अमेरिकन से बात कर रहा है कि जैपनीज से बात कर रहा है मेरे को पता नहीं है वो सोशलाइज खुद हो रहा है तो इन सोशलाइजेशन में भी हमें बस सेफ सिखाने चाहिए अब अब हमें सोशलाइज हम ये हमको ये भूल जाना चाहिए कि स्कूल सोशलाइज करने की जगह है स्कूल तो सोशलाइज करना सिखाने की जगह है तो अगर हम इतना कर दें तो मुझे लगता है काफी बड़ा चेंज हो जाएगा जी।

इसीलिए मैंने बोला कि गूगल पे डिपेंड हो या नहीं हो आप कॉन्शियस हो इसको लेके नहीं हो लेकिन गूगल आज के मतलब इंटरनेट आज के समय की एक बड़ी सच्चाई है वो आपके बच्चे के हाथ में उपलब्ध है अब आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप उसको बोलो कि गूगल पे डिपेंड मत हो ये किताबें किताबें दस किताबें पढ़ो और इनसे सीख लो दूसरा है कि आप उसको सिखा दो कि ये गूगल है और गूगल जैसी और हजार चीजें हैं इंफॉर्मेशन का सागर है आपके सामने

कोई इस लेवल पे कर रहा होगा कोई इस लेवल पे कर रहा होगा पर जो भी एजुकेशन पे काम कर रहा है मुझे लगता है कि देश को बनाने के लिए एजुकेशन से बढ़िया कुछ नहीं काम है जैसे इस हॉल में बैठे हुए सब लोग जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं मे बी दिस जनरेशन ऑफ द पर्सन सिटिंग हेयर और मे बी उससे पहले की दो जनरेशन तीन जनरेशन पहले चार जनरेशन पहले जब तक फैमिली में एजुकेशन नहीं थी फैमिली में किसी एक पीढ़ी ने निर्णय लिया होगा कि यार एक ना कमरा बाद में बनवा लेंगे पहले अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं गांव में थे तो एक खेत बाद में खरीद लेंगे पहले अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं यह किसी एक पीढ़ी ने निर्णय लिया होगा और उससे अगली पीढ़ी पढ़ती चली गई आज हमें मुझे लगता है एक राष्ट्र के रूप में निर्णय लेना चाहिए कि कुछ चीजें बाद में कर लेंगे पहले अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लेते हैं अपने हर बच्चे को ठीक से पढ़ा लेते हैं अगर यह निर्णय हमने ले लिया साहस का निर्णय इतना आसान नहीं है पर अगर यह निर्णय ले लिया एंड आई थिंक आप सब लोगों को हम सब ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा अपने लिए तो किसी चुनावी भाषण में वोट मांग लूंगा ये मैं देश के लिए बोल रहा हूं कि सब एजुकेटर्स को इसका माहौल बनाना चाहिए कि हमने पढ़ाया नहीं तो हम कहीं नहीं बढ़ पाएंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर इट इज ऑनर टू टॉक टू यू एंड लिसन टू योर थॉट